वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी पांच पतियों की पत्नी। दोस्तों, महाभारत में सभी पात्र रहस्यों से भरे हुए हैं। सभी चरित्रों की एक अपनी कहानी है। अधिकतर पात्रों का जीवन उनके पूर्व जन्मों पर आधारित था। इसी तरह महाभारत की एक पात्र द्रौपदी की कहानी भी रहस्यों से भरी हुई है। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की कन्या थी। उसके पति का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह उत्साह और घबराहट में एक ही विवाह के वरदान को पांच बार मांग लिया। दूसरी मान्यता के अनुसार द्रौपदी ने भगवान शिव से 14 गुणों में श्रेष्ठ पति का अपने लिए वर मांगा। ऐसा पति जो महाबलशाली हो, जिसे 10,000 हाथियों के समान बल हो, धर्मनिष्ठ था और महान धनुर्धर हो, जो सुंदर और बुद्धि में निपुण हो, भूत और भविष्य को जानने वाला हो। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि सभी श्रेष्ठ गुण किसी भी एक पुरुष में असंभव है। फिर भी द्रौपदी के जिद पर भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे पांच पति के वरदान दिए तथा अस्तु, लेकिन इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अपने अगले जन्म में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया, लेकिन सभी पांच पांडवों के साथ उसका विवाह हुआ। जब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। इसी वजह से पांचों भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह कर लिया। व्यवस्था कुछ ऐसे हुई कि पांचों भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि पांच पुरुषों से शादी करना कितना तर्क संगत और सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया, पांचाली, आपने केवल उन सभी 14 श्रेष्ठ गुणों वाले पति का वरदान नहीं चाहा था, आप केवल सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज चाहते थे। 10,000 हाथियों की शक्ति वाला एक पति जिसकी नैतिकता और बुद्धि का संसार में कोई मेल नहीं है, एक आदमी जो सबसे सुंदर है और जिसकी बुद्धि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के लाख समझाने पर भी आप अपनी मांगों पर अडिग थे। अब जब आपकी इच्छा पूरी हो गई है तो आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। भीम ने भी इसका विरोध किया, यह पागलपन है, मैं अपने छोटे भाइयों की पत्नी से शादी नहीं कर सकता। भगवान की खातिर अर्जुन की पत्नी मेरी भाभी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या तर्क देते हैं, यह पागलपन है। लाख विरोधों के बावजूद द्रौपदी के पांच पति हुए। विधि के विधान को कौन बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।